Good morning, students. Well, well, it's too cold outside, and sitting in front of mobile or laptops or computer is really very tough. It's very cold today. Happy Saturday to you all, but we have no choice. We have our GK class children. So, good morning to you all, and let's start this new chapter, Sports.

All about food. Yes. We were doing chapter 11, all about food. Now this is the last chapter. Chapter 12, sports quiz. So let's start this rocking chapter about sports quiz. If you all remember Bacho, yaad ho Yadho. थोड़ा बहुत मैंने आपको स्पोर्ट्स के बारे में शुरू के चैप्टर्स में बताया था बहुत थोड़ा सो दिस चैप्टर इज अबाउट स्पोर्ट्स लेट्स हैव अ लुक एट द पिक्चर्स एंड फाइंड देयर नेम्स द वर्ड ग्रेड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग आई हैव डन टू स्पोर्ट्स फॉर यू और बाकी की एक्सरसाइज आपने खुद से फिल करनी है फॉर एग्जाम्पल गोल्फ एंड वॉलीबॉल दीज टू स्पोर्ट्स आई हैव मार्क्ड बट कैन यू फाइंड मोर स्पोर्ट्स इन दिस ग्रेड स्विमिंग बेसबॉल बॉक्सिंग हॉकी कबड्डी एंड टेबल टेनिस

डू इट ओके लवली सो डी यू नो एनी मूवीज बेस्ड ऑन फेमस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स के ऊपर हमारे इंडियन सिनेमा ने बहुत अच्छी पिक्चरें बनाई हैं डी यू नो एनी मूवी आई एम श्योर बच्चों के दिमाग में कुछ मूवीज़ के नाम आ रहे होंगे आई एम नॉट देयर इन फ्रंट वी आर नॉट लाइफ सो आई कैनोट आस्क बट स्टिल आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दोज मूवीज तूफान बॉक्सिंग सो दिस इज एन अपकमिंग इंडियन 2021 हिंदी स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बेस्ड ऑन बॉक्सिंग ओ वाओ दिस इज अ न्यू अपकमिंग फिल्म विच विल कम इन दिस ईयर 2021 और उसमें कौन एक्टर है फरहान अख्तर एज अ नेशनल लेवल बॉक्सर ये मूवी बॉक्सिंग के बारे में है जो अभी इस साल आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता था और इसके जो मेन एक्टर हैं लीड रोल क्या कर रहे हैं फरहान अख्तर फरहान अख्तर ने ऑलरेडी बहुत सारी मूवीज़ की हैं हमने उनकी बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ देखी हैं सो तूफ़ान इज़ द नेम ऑफ द मूवी गोल्ड अक्षय कुमार की मूवी गोल्ड जो हॉकी के ऊपर है उसमें हॉकी स्पोर्ट को हाईलाइट किया गया है हॉकी के ऊपर ही एक और मूवी आई थी दे इंडिया इंडियन विमेन हॉकी टीम के ऊपर इंडियन विमेन हॉकी टीम के ऊपर ये शाहरुख खान की बहुत अमेजिंग मूवी थी चक दे इंडिया अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आई मस्ट मस्ट से मस्ट वॉच दैट मूवी आई मस्ट टेल यू दिस इट्स अ लवली मूवी इंस्पिरेशनल मूवी है चकते इंडिया शाहरुख खान के ऊपर आप देखिएगा आपको बहुत मजा आएगा बट दिस मूवी गोल्ड बेसिकली द ड्रीम दैट यूनाइटेड आर नेशन इस टू थाउजेंड एटीन इंडियन हिंदी लैंग्वेज हिस्टोरिकल स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म हॉकी के ऊपर ये मूवी बनाई गई थी बिगिल फुटबॉल बिजिल ये मूवी भी इंडियन सिनेमा से बिलोंग करती है दंगल फेमस मूवी ऑफ आमिर खान जिसमें उन्होंने ये रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर है 2016 में ये मूवी बनी थी और ये फोगाट फैमिली फोगाट फैमिली के ऊपर ये मूवी है जिसमें आमिर खान ने महावीर सिंह फोगाट का रोल प्ले किया है आपको बताना चाहूँगी मैं ये मूवी विमेन रेसलिंग के बारे में है उनकी दोनों बेटियाँ जो आज भी विमेन रेसलिंग में फेमस हैं गीता फोगाट एंड बबीता कुमारी इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड क्लास फीमेल रेसलर्स। वाओ रॉकिंग दिस सो आई एम श्योर आप सबने ये मूवी देखी होगी दंगल आमिर खान प्लेड वेरी वेल उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया और उनकी दोनों डॉटर्स गीता फोगात एंड बबीता कुमारी प्लेड वेरी वेल सो so, दंगल इज द नेम ऑफ द मूवी विच इज बेस्ड ऑन अस्पोर्ट कॉल्ड रेसलिंग एटी थ्री एटी थ्री इज एन अपकमिंग हिंदी ड्रामा स्पोर्ट्स फिल्म बेस्ड ऑन इंडियन क्रिकेटर और इसमें हमारे फेवरेट एंड फेमस रणबीर सिंह ने रोल प्ले किया है रोल प्ले किया है क्रिकेट आईकॉन कपिल देव जिन्होंने नाइनटीन एटी थ्री में हमको वर्ल्ड कप दिलवाया था कपिल देव उस टाइम इंडियन टीम के कैप्टन थे और कपिल देव के ऊपर ये मूवी है सो एटी थ्री इज एन अपकमिंग फिल्म आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी में ये फिल्म आनी थी बट ड्यू टू पैंडमिक ये मूवी रिलीज नहीं हो सकी सो रणवीर सिंह प्लेड अ रोल ऑफ कपिल देव एंड दिस मूवी इज बेस्ड ऑन अ स्पोर्ट कॉल्ड क्रिकेट सो so, हमने देखा 83 के बारे में जो क्रिकेट पे है हमने देखा दंगल जो रेसलिंग स्पोर्ट के बारे में है बिगिल मूवी ऑन फुटबॉल गोल्ड ऑन हॉकी तूफान ऑन बॉक्सिंग सो so, ये कुछ मूवीज के नाम हैं जिनमें इंडियन स्पोर्ट्स को दिखाया गया नाउ विल टॉक अबाउट सम इक्विपमेंट्स टू प्ले अ पर्टिकुलर स्पोर्ट हम किन चीजों से एक पर्टिकुलर स्पोर्ट खेलते हैं फॉर एग्जाम्पल हम जब क्रिकेट खेलते हैं हमें बैट और बॉल की जरूरत होती है आपने देखा सिमिलरली बास्केट बॉल विदाउट दिस बॉल यू कैंट प्ले बास्केट बॉल सो यू मस्ट नो स्टूडेंट्स ऑल ऑफ यू हियर मी नाइसली यू ऑल मस्ट नो अबाउट बास्केटबॉल अगर आपके एग्जाम के अंदर वर्ड लिखा है बास्केट बॉल और आगे बॉल ये वाली बनी है तो आप इसको मैच करेंगे सो यू मस्ट नो अबाउट दिस इक्विपमेंट के दिस पर्टिकुलर बॉल प्लेज इन बास्केटबॉल स्पोर्ट गोल्फ गॉल्फ के लिए गोल्फ खेलने के लिए ये गोल्फ स्टिक और ये छोटी व्हाइट बॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट कैन यू सी द साइज ऑफ द बॉल सो टू प्ले गोल्फ दिस स्टिक एंड बॉल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोलर स्केट्स जस्ट सी दिस रोलर स्केट्स इस इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इस स्पोर्ट को खेलने के लिए इसको सब ये स्केट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बिना तो आप रोलर स्केट्स खेल ही नहीं सकते एम आई राइट कैन यू सी रोलर स्केट्स ऑल राइट वेट लिफ्टिंग दिस इज वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग होती है हम वजन को उठाते हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो रिंग्स देख रहे हैं ब्लैक कलर के गोल गोल जो डंडे के अंदर रिंग्स लगे हैं इनमें वज़न होता है जितने ज़्यादा आप बढ़ाते जाओगे वज़न बढ़ता रहता है सो जो इसको इस गेम के साथ जो इस गेम को खेलने के शौकीन होते हैं वो कुछ टाइम के लिए बच्चों इसको उठा के रखते हैं और जो मैक्सिमम टाइम तक उठा के रखता है वो विनर होता है सो वेट लिफ्टिंग इज़ अ स्पोर्ट अगेन आपने जरूर देखा होगा टीवी में तो वेट लिफ्टिंग का ये इक्विपमेंट है देखिए डंबल्स बोलते हैं इनको ये हर वेट में आते हैं टेन के जी के ट्वेंटी के जी के थर्टी के जी फिफ्टी के जी हंड्रेड के जी हर वेट के अलग अलग आते हैं ऑल राइट हॉकी आई हैव जस्ट मैंशनड फ्यू मिनट्स अगो अबाउट हॉकी हमने हॉकी का स्पोर्ट्स के लिए किया था मूवी गोल्ड और मैंने आपको ये भी बताया था कि इंडियन होक, विमेन हॉकी टीम के ऊपर मूवी बनी थी चक दे इंडिया सो दिस इज अ हॉकी स्टिक एंड अ बॉल सो विदाउट दिस स्टिक एंड विदाउट दिस बॉल यू कांट प्ले हॉकी सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू ऑल टू नो अबाउट हॉकी कि हॉकी सिर्फ इसी स्टिक और इसी बॉल से खेली जा सकती है हॉकी हम गोल्फ की स्टिक या गोल्फ की बॉल से नहीं खेल सकते ऑल राइट ऑल राइट सो टाइम टू से गुड बाय टू यू ऑल वी स्टार्टेड अ न्यू चैप्टर ऑन स्पोर्ट्स वी हैव डन सम वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स एंड इन कमिंग क्लास आई विल टेल यू मोर अबाउट स्पोर्ट्स सो सी यू सून Have a lovely weekend. Enjoy your weekend in winters. I love you all. Thank you so much, Bacho. Bye bye.